हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर हेडलाइन हाईलाइट। द हिंदू में हम हेडलाइन को हाईलाइट करेंगे, कौन से आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है और कौन सा हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की, उसको डिजोल्व कर दी गई है और फ्रेश इलेक्शन हो सकता है कंडक्ट। क्वेश्चन यहाँ से जो पूछेगा अभी हाल ही में, या फिर ये बोल सकते हो आप, एक सेकेंड, या ये बोल सकते हो आप कि अभी जो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कि कौन सा ऐसा देश रहा है वहाँ पे जो पार्लियामेंट जो कि डिजॉल्व कर दी गई है, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कि ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या है, कैसे है, क्या इसके पीछे मेजर रीजन है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना उसमें क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। और इसके बाद डिजॉल्व तो मणिपुर को लेकर के, जो मणिपुर को लेकर के है, होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, इन्होंने कहा या आप इसको जो है कि पीस पीस लाइए, आप लोग ज़्यादा इसको आग में घी डालने का काम मत करिए। इसके बाद राहुल सेठ ऑनसलूट भारत माता को लेकर के बोला है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कू की जियो, अभी देखिए कि नो पुलिस ऑपरेशन, होम मिनिस्टर ने कहा कि सेंट्रल फोर्स जो है कि बिना परमिशन के जो है कि किसी का सर्च रूम नहीं करेगी। कू की जो टीम को जो कि एसओएस दिया है, फिर इसको डेवलपमेंट द वेव, फिर ठीक है, डेवलपिंग इंडिजिनियस वेव, ये एक बात है कि ग्रैप अप, जैसे मान लिया कोई वेव है आप डेवलप करना, जैसे कि ब्राउजर होता है ना, जैसे गूगल है, क्या है, और उसके बाद या फिर बोल सकते हो आपकी इस तरह की कुछ चीज़ें, तो उसमें है। फिर नू नू जो आपके अभी न्यूज में रहा था, इसको लेकर के है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलेंगे जो है हमारे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक चीज़ और है यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि आगे दिया गया काफ़ी बड़ा है आर्टिकल, फाइनल एक इस्टेब्लिशमेंट किया था गवर्नमेंट से, ये कहा कि आप फर्टिलाइज़र को अवेलेबिलिटी को जो कि अश्योर करिए, क्योंकि आप देखिए कि क्या बोलते हैं, खरीफ जो सीजन चल रही है धान की, अब उसमें जो कि फर्टिलाइज़र की डिमांड जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें पॉलिटिकल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि ट्राइबल्स यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फायर द सर्वाइवल अमित एट्रोसिटी को लेकर के है। फिर इसके बाद हम अगर नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलते हैं, यहाँ पे चंद्रयान 3 को लेकर के, ऑर्बिट रिडक्शन मैंने और चंद्रयान 3 द परफॉर्मेंस को लेकर के, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद चेंज तो स्टेट नेम तो केरला, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि इस जो कि आर्टिकल हमारे केरला का जो कि नाम था केरालम के नाम से निकलिए, जो केरला के मलयालम वर्ड से निकल करके आता है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा कैसे जो कि टॉपिक बदलता है। इसके बाद एलिफेंट कर्नाटका को लेकर के अभी एक न्यूज आई है कि कर्नाटका में जो है कि कर्नाटका में जो एलिफेंट है, मतलब एक सर्वे के हिसाब से ये बोला गया है कि वहाँ कर्नाटका में जो एलिफेंट थे उनके नंबर तब से एलिफेंट जो कि काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत इरिलीवेंट है हमारे एग्जाम के, टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है, इसलिए हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पर चलते हैं, एक देखिए टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये किस तरह से नेट जीरो के हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलेंगे जो हमारे एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फिर उसके बाद चाइना की कोई भी जो कि मतलब इस तरह से या बोल सकते कोई भी डिप्लोमेट इंडिया में नहीं है पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि अभी G20 की समिट जो कि कंप्लीट होने जा रही है, कंक्लूड होने जा रही है, या फिर जो 2023 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास था, अब उसका आने वाले समय में कंक्लूड होगा, तो उसको लेकर के किया जाए, बहुत से इशू हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, LAC को स्पेशली है, G20 के जो दोनों लोग मेम्बर हैं, इन सारी चीज़ों को। इसके बाद ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ सर, इन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के वर्क को जो कि लिमिट कर रहा था, तो इस वजह से जो कि इसको हटाया। फिर उसका गवर्नर ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, उन्होंने कहा कि जो गवर्नर हैं ये जो कि ओवर मतलब एक्टिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अपने आप को उमर खालिद के केस को सुनने के लिए अपने आप को रेस्क्यू करे, रेस्क्यू मतलब कि जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, और इसको जो कि वाई जो कि केस मिला हुआ, लेकिन ये अपने आप को कहेगा ना ऐसा है ना, हम इस केस को नहीं देखेंगे, हम अपने आप को विड्रॉ कर लें, हम ये केस नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ अपने जज जो कि अपने आप को पर्सनल रीजन की वजह से डिफेंस करते हैं और बताते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बजट, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री दी गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के, अभी हमारे पार्लियामेंट में जो कि नो
कॉन्फिडेंस मोशन ट्रस्ट वोट को लेकर के बातें चल रही। तो इसमें है जैसे कि वीपी सिंह है, यहाँ पे अटल जी हैं, फिर उसके बाद वीपी नरसिम्हा राव हैं, पूरा हिस्ट्री दी गई है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चल रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे जो कि चल रहा है ना। फिर उसके बाद राज्यसभा ने 4 बिल को बिना डिस्कशन के, अपोजिशन थी नहीं फिर भी उसके बावजूद भी, जो कि पास कर दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, राज्यसभा उसको भी पास कर दिया। फिर उसके बाद प्राइस को लेकर के बातें चल रही हैं, जो फूड प्राइस जो कि इंक्रीज हो रही है। फिर इसके बाद एक सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार से ये बोला गया है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का फंड था उसको एडवर्टाइज में जो कि ज़्यादा खर्च कर दिया गया, बजाय कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर को अवेलेबिलिटी करवाने के लिए, उपलब्धता करवाने के लिए, जो हमारे उर्वरक होता है स्पेशली यूरिया को लेकर के पैनल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सजेशन किया है कि नहीं आप इसको जो कि अवेलेबिलिटी जो कि एश्योर करवाइए। फिर उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसमें देखते हैं, जाना कि इकोनॉमिक टिप द डिफ्लेशन के, डिफ्लेशन इन द सेंस है कि जो हमारा इकोनॉमिक या फिर किसी कंट्री का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है उसको चीज़ को कम कर देना होता है, उसको लेकर के बोले हैं ये। फिर इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है द हिंदू में, अब हम इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन फ्रेंड।